क्लास हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने जो फाइंड किया था, सबसे पहले हमने जब हम अपने एलिमेंट से हायर अपर पोर्शन की तरफ गए थे, ये जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन की तरफ जब हम गए थे तो हमने क्या किया था, अपर पोर्शन की तरफ जाने के लिए जाने के बाद हमने इसका लो वैल्यू जो है वो फाइंड करी थी, ठीक है, मिड की मदद से। और जब हम अपने इस वैल्यू से, सेवन से, अगर मैं नीचे की तरफ आऊं यहाँ पे, यहां से मैं लोअर पार्ट की तरफ जाता हूं, तो लोअर पार्ट की तरफ जाने के लिए मैंने इसकी हायर वैल्यू जो है वो चेंज हुई थी, तो हायर वैल्यू मैंने इसकी फाइंड करी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो हायर वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है इन 5.5 बेसिकली आया था, लेकिन क्योंकि वो ट्रंकेट हो गया है 0.5 जो है वो इंट की वजह से, तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा, तो 5 आ रहा है, तो 5 के बाद अब हमारे पास ये, तो यहां पर जब हमने इससे चेक किया अपने 31 को, तो 31 तो इससे छोटा आ रहा था, फिर हमने इसको मिड वैल्यू निकाल तो मिड 5 आया। जब मिड 5 आया, ठीक है, तो अब जो हमारे पास 5 आया, हमने 5 को जब कंपेयर किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, मैच हो गया। वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन 5 विद आवर टारगेट वैल्यू, वी फाइंड दैट इट इज मैच। तो अब हमने क्या किया, वी कंक्लूड दैट द टारगेट वैल्यू 31 इज स्टोर्ड एट लोकेशन 5, बाइनरी सर्च हैव्स द सर्चेबल आइटम्स and does reduce the count of comparison to be made to very less numbers. तो अब ये कह रहा है कि basically ये करता क्या है, ये करता ये है कि जो आपका जो searching binary search जो है वो क्या करता है, एक आपको जो searchable items को जल्दी find करके देता है, दूसरी बात ये जो counting और comparison है आपके पास, ये इसको जो है ना वो कम कर देता है। अगर मैं बात करता, अगर यही हमारे पास ये यही वाला array मौजूद होता और इस array के अंदर हमारे पास हमें लीनियर सर्च के थ्रू अगर हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा होता तो हम कितना करते, हमें 10 आइटम्स को कंपेयर करना पड़ रहा होता। ऑल्दो के इट्स आर गुड लक कि ये जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर मौजूद है, लेकिन इट्स अ बैड लक इफ जो है ये हमारे पास 9th यानी कि 10th नंबर ऑफ लोकेशंस के ऊपर, 10th लोकेशन के ऊपर और 9 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर मौजूद है, तो फिर होता ये कि हमें सबको यहाँ से कंपेयर करते हुए जाते और इस 44 तक कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे हमारी अच्छी किस्मत है कि ये 5 पे मौजूद है अगर मैं लीनियर सर्च की बात करता हूँ तो। लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करता हूँ तो बाइनरी सर्च में हमने कितने कंपेयर किए, 1, 2 और ये 3 पे मैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 मैच के बाद। तो अगर मैं इसको लीनियर सर्च पे जाऊं तो लीनियर सर्च पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जो छठा कंपैरिजन हम करेंगे, छठे कंपैरिजन पे जाके हमें लीनियर सर्च में हमें हमारी वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करता हूँ तो बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास 3rd कंपैरिजन के ऊपर हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो ये उससे एक तो हाफ भी है, हाफ हो गया अगर मैं कंपेयर करूँ 2 एरे के ऊपर, सॉर्टेड एरे के ऊपर। लेकिन इसमें कॉस्ट जो है ना वो दूसरी तरह से बढ़ जाती है। एक तो ये कि आपको एक पहले एक एल्गोरिथम चलाना पड़ता है जो कि सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, जो कि पहले इसको सॉर्ट करेगा, तो वो एक थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप आफ्टर सम टाइम, जैसे हम लोगों ने एल्गोरिथम के ग्राफ पढ़े थे कि आफ्टर सम टाइम जाके जो बाइनरी सर्चेस की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो ये रिजल्ट लाकर दे रहा होता है, वो बेहतर हो जाता है इसके मुकाबले में, लीनियर के मुकाबले में। ठीक है, अब इसका ये हमारे पास सूडो कोड लिखा हुआ है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का। सूडो कोड क्या है हमारे पास बाइनरी सर्च का, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसीजर, एक फंक्शन है हमारे पास ये बाइनरी सर्च। एक है हमारे पास सॉर्टेड एरे, यानी कि एक एरे हमें दी गई है जो इससे पहले एक और
फंक्शन जो यूज हुआ है, जो एक मेथड यूज हुआ हुआ है या एक एल्गोरिथम पहले यूज हुआ हुआ है जिसने इस एरे को सॉर्ट करके हमें दिया है, ठीक है। तो उसने उसको सॉर्ट कर दिया है, सॉर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे मिली है, ठीक है। तो एक एरे है और ये क्या है, ये सॉर्टेड एरे है। एन क्या है, साइज ऑफ एरे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी ऊपर जो हम देख रहे थे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 10 है, ठीक है। इंडेक्स तो हमारे पास 9 तक है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास 10 है। वैल्यू टू बी सर्च, तो एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमें सर्च करनी है, ठीक है। एक्स वैल्यू टू बी सर्च, सेट लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1 एंड अपर बाउंड इज इक्वल टू n। तो लोअर बाउंड हमारे पास क्या है, जो हमारी पहली वैल्यू है, पहला आइटम है, उसको हमने 1 कर दिया, और जो हमारे पास अपर बाउंड है वो नंबर, जो लास्ट नंबर है हमारा, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है हमारे पास, तो 10 हमारा क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा इस वाले एरे के अंदर। क्या करेंगे, व्हाइल का लूप लगाएंगे, व्हाइल x नॉट फाउंड, अगर x फाउंड नहीं होता तो क्या करो, व्हाइल x नॉट फाउंड, अगर x फाउंड नहीं होता तो हमें क्या करना है, इफ अपर बाउंड इज लेस देन टू लोअर बाउंड एग्जिट x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमें x फाउंड नहीं होगा जब तक, तो हम क्या करेंगे, इफ का मेथड, इफ लगेगा और इफ क्या करेगा, अपर बाउंड क्या हमारे पास, जैसे वो 10 है और लोअर बाउंड क्या हमारे पास 1 है, तो कह रहे हैं कि इफ अपर बाउंड जो है वो बड़ा, वो जब तक के ये लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या करो, एग्जिट नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारा ये लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड के बराबर नहीं आ जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट करेंगे मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट क्या है हमारे पास इस वक्त, जो हमने ऊपर हमने फाइंड किया था, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या आया था हमारे पास, मिड पॉइंट आया था हमारे पास, सबसे पहला मिड पॉइंट क्या आया था, 4, ठीक है। इफ अब ए मिड पॉइंट क्या है, 4 इज ग्रेटर देन एक्स, ये देखें, यानी कि अगर तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू है वो एक्स उससे बड़ा है तो क्या करो, सेट लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड बाउंड प्लस 1। इफ मिड पॉइंट की वैल्यू बड़ी है एक्स से तो क्या करो, सेट अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस 1। इफ ए मिड पॉइंट की वैल्यू बराबर है एक्स के तो क्या करो, एग्जिट कर दो और एक्स फाउंड एट लोकेशन मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो भी आएगा उस पर आपने वो लोकेशन फाइंड कर ली और यहाँ पे आपका व्हाइल जो है वो एंड हो गया क्योंकि एक्स फाइंड हो गया। ये तो उस सिचुएशन में था कि जब आपका एक्स फाउंड ना होता, तो अगर एक्स एक्स पूरी पूरे के पूरे एरे के अंदर अगर आपका एक्स फाउंड नहीं होगा तो एट दी एंड जाके क्या होगा, आपका जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोअर बाउंड की भी वैल्यू वो हो जाएगी जो अपर बाउंड की थी, जैसे वो 10, क्योंकि वो एक 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 करके सबको मैच करता रहेगा। एग्जिट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है ये किस सिनेरियो में आ सकती है, ये वाली सिचुएशन किस सिनेरियो में आ सकती है, ये वाली सिचुएशन इस सिनेरियो में आ सकती है कि अगर जस्ट सपोज हम कंपेयर करते हैं अपना 44 को, देखें अगर मैं इस 44, ये 44 है, मैं 45 कंपेयर करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस एरे में से मुझे 45 ढूंढ के दें, तो अगर मुझे 45 ढूंढ के देना है तो 45 तो इसमें है ही नहीं, तो ये मेरा जो नंबर ऑफ अपर बाउंड लोअर बाउंड है ये घूमता घूमता 9 तक आ जाएगा, तो 9 क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा अपर बाउंड के, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक सिनेरियो में ये अपर बाउंड यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 हाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, तो क्या होगा ये हमें बता देगा, एग्जिट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था, हमने बेसिकली ये जाना कि हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, ये उसका एल्गोरिथम था,
ठीक है, ये एल्गोरिथम है। देखें लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरह से बाइनरी सर्च को आप सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, ऑप्टिमाइज्ड वेज। आप व्हाइल का लूप ना लगाएं, आप फोर का लूप लगा के देख लें, आप डू व्हाइल लगा के कर सकते हैं, ठीक है, आप मल्टी मल्टी इफ लगा के दे सकते हैं, इफ एल्स लगा के दे सकते हैं, आप स्विच केस लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन है। किसकी ऑप्टिमाइजेशन है? आपके बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की ऑप्टिमाइजेशन है। जी नोमान पूछे सवाल। आप जो कह रहे हैं ना कि ये 44 हो जाएगा तो ही स्टेटमेंट में आ जाएगा एग्जिट, नहीं 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 एग्जिट पहली, एक मिनट, पहली बात 44 नहीं 45। अगर मैं 45 सर्च कर रहा हूँ इस एरे में से, आप तो 45 सर्च कर रहे हैं ना, लेकिन अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो तो उसी एरे को सर्च कर रहे हैं ना जी। तो लोअर बाउंड जो है पहले हमारे वो 44 तक चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, फिर उससे अपर तो नहीं जाएगा ना, नहीं 44 और अपर बाउंड भी 44 है तो वो दोनों मैच हो जाएंगे सर। नहीं देखें, मैं अब मेरी बात सुनिएगा एक चीज, ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये गिवन एरे है और मैं ये कह रहा हूँ कि इस गिवन एरे में ना मुझे 45 ढूंढ के दे दो। मुझे नहीं पता है, मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे मौजूद है, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूँ कि वो मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें से 45 ढूंढना है। तो अगर मैं 45 ढूंढता हूँ तो 45 जो है ना वो इसमें है नहीं, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक कंपेयर करता रहेगा। देखें मैं ऊपर अगर आपको यहाँ से बताना शुरू करूँ, यहाँ से देखें, अगर मेरे पास वैल्यू 45 होगी तो इस मैच के साथ ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये अपर 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 की तरफ ही जाता रहेगा, लोअर की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब 35 आया था तो 35 पे भी 45 को कंपेयर करेगा तो वो कहेगा कि 35 तो छोटा है, तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो जब वो इस तरफ आएगा तो ये दो ही वैल्यू बचेंगी, ठीक है, इनमें से पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, तो आखिरी जो वैल्यू आपके पास मिड लेवल आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो जब मिड लेवल 9 आ जाएगा, ठीक है, तो मिड लेवल 9 आ गया तो अब आपका लोअर बाउंड क्या है, 9, ठीक है, और आपका अपर बाउंड क्या है, 9। तो वो अगर कह रहा है कि अगर 9 9 बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, एग्जिट कर दो कि एक्स फाइंड ही नहीं हुआ। ये वो कंडीशन है कि जब एलिमेंट आपके आपके एरे के अंदर मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि वो सारी की सारी एरिया जो है ना वो ट्रावर्स कर लेगा उसको। इज दैट क्लियर नोमान? यहाँ पे सर मैं सिर्फ इसी वजह से कह रहा हूँ ये कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर देन के वो है ना मार्क है, इक्वल्स टू नहीं है साथ में। देखो ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में शायद असलान का सवाल था, उसपे मैंने ये एक एरे, ये इफ का एक स्टेटमेंट चेक करवाया था डेव सी प्लस प्लस के ऊपर, उसमें मैंने एक चीज चेक करवाई थी कि अगर यहाँ पे वैल्यू 6 हो और यहाँ पे भी वैल्यू 6 हो तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू रहेगी ना, क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी ना, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही होगा, अपर बाउंड तो आपका 9 है ही है, जब आपका लोअर बाउंड भी 9 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इट्स मींस दैट के इसके अंदर वो एरे मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। जी जी यही कह रहा हूँ मैं भी, ठीक है, समझ में आ गया जी सर, थैंक यू सर। ये था हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके इंशाल्लाह मैं कोड की वीडियो भी बना दूंगा और वो मैं अपलोड कर दूंगा जिसके ऊपर हम इसका कोड देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास काफी सारी चीजों के कोड मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास क्यू है और क्यू के बाद स्टैक के बाद क्यू है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी इंशाल्लाह, ये जब तक हम कोड नहीं करेंगे हमें अंदाजा नहीं होगा इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अच्छा, जैसे हम बाइनरी सर्च कर रहे थे, बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या कर रहे थे, आपने देखा कि हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे और हम जो है वो मिड लेवल की वैल्यू ढूंढते थे और उस मिड लेवल की वैल्यू के साथ जो है ना अपने जो फाइंड करना था हमें एलिमेंट हम उसको कंपेयर कर रहे थे। लेकिन हम अब क्या करेंगे, एक और सर्च है हमारे पास इंटरपोलेशन सर्च, जो कि इनहेंस्ड
यहाँ एडवांस्ड वर्जन है बाइनरी सर्च का. इंटरपोलेशन सर्च क्या करती है, इज एन इम्प्रूव्ड वेरिएंट ऑफ बाइनरी सर्च. ठीक है, बाइनरी सर्च का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है. देखें, अब मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि आप इस जितने भी एल्गोरिथम इस दुनिया में बने हुए हैं आप उसको एनहेंस कर सकते हैं. अक्सर जो ये पीएचडीज होती हैं उसमें पीएचडी में ये होता है कि लोग जो है ना कुछ अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है स्टिल नाउ, यानी कि अगर कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको किसी किसी रिसर्चर ने पहले सॉल्व किया है, आप कह रहे हैं कि मैं इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व कर सकता हूँ, इसी एल्गोरिथम को और मजीद ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप उस एल्गोरिथम को मजीद ऑप्टिमाइज करके भी कर सकते हैं. तो वो पीएचडी में आपका एक रिसर्च का टॉपिक भी हो सकता है कि आप उस पर रिसर्च करते हैं. आप जैसे इस वक्त दुनिया में अगर कोई बाइनरी सर्च है जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर है. आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसको ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू कर सकता हूँ, तो यू कैन डू इट. आप करें, इस पर रिसर्च करें और इसको करके दिखा दें. आप अगर कहेंगे कि हर मशीन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपका बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा एफिशिएंट ऑप्टिमाइज्ड है, तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर काम करेगा. अच्छा, अब ये इसने क्या किया, इसने उस बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को इंटरपोलेशन सर्च के साथ इन्होंने मजीद इसको ऑप्टिमाइज किया. ठीक है, बट हम इसको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं कहते, हम इसको इंटरपोलेशन सर्च ही कहेंगे. इंटरपोलेशन द सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रोबिंग पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू. ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है, प्रोब का मतलब होता है वो पॉइंट करना. आपने अक्सर मीटर देखे, मीटर डिजिटल मीटर तो नहीं, एनालॉग मीटर की बात करूं तो उसके अंदर एक प्रोब होती है, वो एक या आप कह दें घड़ी जो वॉच होती है क्लॉक, उसके अंदर प्रोब्स होती है, ये जो जिसको हम उर्दू में सुइयां कह रहे होते हैं, बेसिकली ये प्रोब्स होती है जो कि पॉइंट कर रही होती है किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर. तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये सर्च एल्गोरिथम क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है प्रोब पोजीशन के ऊपर जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है और जो प्रोब पोजीशन है. अगर जैसे सपोज मैं मिसाल दूं कि अगर किस जगह पे इसकी प्रोब सेट हुई हुई है, वो उस वैल्यू को देखता है कि आपके पास जो आपने जो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या वो उसके साथ मैच कर रही है. अच्छा, फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क प्रॉपरली द डेटा कलेक्शन शुड बी इन अ सॉर्टेड फॉर्म एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, इसने काम और बढ़ा दिया थोड़ा. वो कैसे, इसने ये किया कि पहली बात तो वही वाली बात आ गई कि वो ये कह रहा है कि आपका जो डाटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है, बाइनरी सर्च हैज अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर लीनियर सर्च. ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि लीनियर सर्च के ऊपर जो है वो आपके बाइनरी सर्च जो है वो बेहतर है, बट लीनियर सर्च हैज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ओ एन. जो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर वो हमारे पास बिग ओ एन है, वेयर एज बाइनरी सर्च हैज बिग ओ लॉग एन. ठीक है, तो जो बाइनरी सर्च की जो है वर्स्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ओ लॉग एन. देयर आर केसेस वेयर द लोकेशन ऑफ द टारगेट डेटा मे बी नोन इन एडवांस. अच्छा, ये कह रहा है कि सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोकेशन ऐसी हो जो कि आपको पहले से पता हो. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, अगर मैं टेलीफोन डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ तो आपको पहले से ही पता होगा कि एम जो है मॉर्फिन की बात कर रहा है, मॉर्फिस चुड़े मुबशिर की बात कर. ठीक है, नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर ऑफ मुबशिर, तो अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर से मुबशिर का टेलीफोन नंबर निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, लीनियर सर्च एंड इवन बाइनरी सर्च विल सीम स्लो एज वी कैन डायरेक्टली जंप टू मेमोरी स्पेस. देखें, लीनियर सर्च भी यहाँ पे स्लो है, बाइनरी सर्च विल सीम स्लो एज वी कैन डायरेक्टली जंप टू मेमोरी स्पेस वेयर द नेम्स स्टार्ट फ्रॉम एम आर सॉर्टेड. अब ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली जाएंगे उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे एम जो है वो सॉर्ट हुआ हुआ है. देखें, अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करते हैं उसमें ए बी सी डी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सॉर्ट हुई हैं, तो अब ए के अंदर फिर मजीद सॉर्टिंग हुई हुई है, बी के अंदर मजीद सॉर्टिंग हुई हुई है, ठीक है, सी के अंदर मजीद सॉर्टिंग हुई है, तो ये वही बता रहा है. अब ये कह रहा है कि हम डायरेक्टली उस पे पहुंच जाएंगे, कहां पे, जहां पे वैल्यू सॉर्ट हुई है. अच्छा, इन बाइनरी सर्च इफ वी डिजायर डेटा इज नॉट फाउंड देन द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. तो ये कह रहा है कि बाइनरी सर्च में आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें हमारा डिजायर डेटा नहीं मिलता, यानी कि हमने अगर कोई वैल्यू दी है अपने एल्गोरिथम को कि इस वैल्यू को ये पास कर दें, ये वैल्यू इसको पास कर दें और सॉरी ये वैल्यू मुझे में से फाइंड करके दे दें, तो वो जो है एल्गोरिथम क्या करेगा,
डिजायर डाटा, सॉरी अगर डिजायर डाटा वो उसमें से पास नहीं होता तो क्या करता है, डिवाइड करता है उसको दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। यही कर रहा था बानी सर कि हमने कोई वैल्यू दी कि इस एरे में से इस वैल्यू को फाइंड करके दे दो, और अगर वो वैल्यू उसके उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे बानी सर ने वो मिड लेवल जो लिया उस पर अगर नहीं मिलती तो क्या करता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होती है लोअर और एक होता है हायर। तो द सर्च इज कैरी आउट इन आइदर ऑफ देम, मतलब ये इसके अलावा है जो हम सर्चिंग कर रहे हैं उसके अलावा कह रहा है कि वो लोअर एंड हायर जो है वो अलग है। इवन व्हेन द डेटा इज सॉर्टेड बाइनरी सर्च डज नॉट टेक एडवांटेज टू प्रोब द पोजीशन ऑफ द डिजायर्ड डेटा। ये कह रहा है कि जब हमें बाइनरी सर्च, देखें बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड एरे तो ले रहा है लेकिन वो कहीं से भी ये फायदा नहीं उठाता कि हम जो है वो इस जो सॉर्ट हुआ हुआ है इसके अंदर से हमने डिजायर्ड डाटा जो है ना किसी पोजीशन से उठा ले। अब इंटरपोलेशन सर्च के अंदर जो है वो प्रोबिंग का फायदा क्या है, देखिए पहली बात तो आपको भी ये समझ में आई होगी कि मुझे भी ये समझ में आई कि हमारे पास एक डाटा अगर सॉर्टेड है तो हमें पता है कि 31 जो है वो ऑब्वियसली 30 के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सॉर्ट है डाटा तो इट्स मीन्स कि उसमें 30 के बाद होगा 31, ओके। अब इसके अंदर क्या हो सकता है इंटरपोलेशन सर्च में, इसमें क्या फायदा उठाते हैं इससे, पर्टिकुलर आइटम पर कंप्यूटिंग द प्रोब पोजीशन। पहले वो क्या कर रहे हैं कि हम कंप्यूट कर रहे हैं प्रोब की पोजीशन। इनिशियली द प्रोब पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन है उसकी पहले सबसे पहले हम कहां पे सेट कर देंगे, मोस्ट मिडल आइटम के ऊपर। तो मोस्ट मिडल आइटम हमारे पास क्या था, लास्ट जो हम लोगों ने एरे देखा तो उसके अंदर 4 था, तो जो 4 था उसके ऊपर हमने प्रोब सेट कर दिया। अब इफ अ मैच अकर देन द इंडेक्स ऑफ द आइटम इज रिटर्न, अगर तो मैच हो गया फिर तो हम रिटर्न कर देंगे। टू स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू पार्ट्स एंड यूज द फॉलोइंग मेथड। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी यूज द फॉलोइंग मेथड। सबसे क्या करेंगे, ये देखें इसमें कुछ इसने ऐड किया, मिड लेवल लो हाई माइनस लो, ए हाई ए लो, ठीक है, एक्स माइनस जो एक्स जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं माइनस ए लो, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली उसके जो अब हम मिड लेवल जो फाइंड करेंगे वो बिल्कुल उसके नियरेस्ट फाइंड करेंगे, जो हमारी वैल्यू है ना एक्स जो है उसके बिल्कुल नियरेस्ट फाइंड करेंगे हम। तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स जैसे सपोज पिछली क्लास में पिछले वाले लिस्ट में हम 31 फाइंड कर रहे थे, तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स 31 है, ठीक है। इसको हम ऊपर आके वापस देख लेते हैं, ए के हमारे पास लिस्ट है, एलओ के लोएस्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट, ये मैं ए हाई एलओ एच आई नहीं बता रहा क्योंकि पिछली क्लास में भी इससे पिछले वाली जो स्लाइड थी उसमें हम देख चुके थे कि लो एंड हाई जो है वो हमारे पास क्या है। और ए ऑफ एंथ क्या है हमारे पास, द लोकेशन ऑफ वेयर वैल्यू स्टोर एट इंडेक्स इन द लिस्ट। तो हमारे पास ए एक एरे है और एन क्या है उसकी इंडेक्स वैल्यू। इफ द मिडल आइटम, अगर ये कह रहे हैं कि मिडल आइटम ये मिडल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम देन द प्रोपोजिशन इज अगेन कैलकुलेटेड इन द सब एरे टू द राइट ऑफ द मिडल आइटम। अब ये कह रहे हैं कि अगर तो मिडल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम है, यानी कि जो मिडल आइटम हमने फाइंड किया है वो क्या है, वो हमारा जो आइटम हमने दिया है उससे बड़ा है, मिडल आइटम बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोपोजिशन को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, कैलकुलेट इन द सब एरे टू द राइट ऑफ द मिडल आइटम, और इसके कैलकुलेट करेंगे हम अपने, और उसके अदरवाइज द आइटम इज सर्च इन द सब एरे टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल आइटम। अब ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर हम एरे को अपने जो हमने कैलकुलेट किया है अपने प्रोब की पोजीशन को उसके राइट या लेफ्ट के ऊपर जो है वो हम उसको सर्च करते रहेंगे। अच्छा ये देखें, ये इसके अंदर एक एडिशनली ये जो ऐड हुआ हमारे पास, इसने क्या किया, हमें जो हमारे पास गिवन एरे है उसके अंदर हमें 31 के नियरेस्ट लेके जाएगा ये, ठीक है, जो इसका नियरेस्ट होगा उसके उसको उसके करीब मिडिल लेवल निकालेगा। तो अगर तो हमारे पास बाइनरी सर्च होता तो बाइनरी सर्च तो ऐसा नहीं करता, बाइनरी सर्च तो जस्ट मिडिल वैल्यू निकालता है, लेकिन इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको
नियरेस्ट प्रो वैल्यू भी दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं द प्रोसेस कंटिन्यूज ऑन द सब एरे एज वेल अंटिल द साइज ऑफ सब एरे रिड्यूस टू जीरो, यानी कि जब तक आपके जो सब एरे हैं वो जीरो नहीं हो जाता, यानी कि पहले वो बड़ा होगा, फिर उसकी हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, आखिर में आके वो बिल्कुल एक जीरो एरे नहीं बन जाता, उसका जो सब एरे जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तब तक क्या करेंगे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ये कह रहा है कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरपोलेशन सर्च एल्गोरिथम इज बिग ओ लॉग लॉग एन, यानी कि ये जो लॉग है, लॉग के साथ जो एन है, नंबर ऑफ एन है, एन के अंदर भी लॉग एन, यानी कि लॉग एन जो वैल्यू निकाल के देगा वो इसका नंबर ऑफ एन होगा, एज कम्पेयर टू बिग ओ लॉग एन ऑफ बी एस टी इन फेवरेबल सिचुएशन। बी एस टी आपके पास बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम इसका क्या होगा हमारे पास, एज इट इज एन इम्प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग बी एस टी एल्गोरिदम वी आर मैंशनिंग द स्टेप्स टू सर्च द टारगेट डाटा वैल्यू इंडेक्स यूजिंग पोजिशन प्रोबिंग। स्टार्ट सर्चिंग डाटा फ्रॉम मिडल ऑफ द लिस्ट, वही पुरानी वाली बात। इफ इट इज अ मैच रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द आइटम एंड एग्जिट, वही पुरानी बात है कि अगर मैच हो गया पहली ही पोजिशन के ऊपर तो उसको क्या करो, आप रिटर्न कर दो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इफ इट इज नॉट मैच प्रो पोजिशन डिवाइड द लिस्ट using probe formula and find the new middle. वो जो ऊपर मैंने बताया था, सबसे पहले इसने क्या किया, if it is not a match तो क्या करो, probe को position करो और उसके बाद divide करो list को, probe formula को, जो ऊपर probe का formula था, and find the new middle. तो new middle आप find कर लो।